निज़ाम की दौड़े लग गई हैं इमरान खान ने निजाम को इतनी बुरी तरह एक्सपोज करने के बाद अब इतनी बुरी तरह भगा दिया है कि आप यकीन करें कि मुझे लगता है बहुत जल्द वो तमाम कुतें सामने आएंगी और कहेंगी कि नहीं हम ही वजीर आजम बन जाते हैं क्योंकि हम नहीं सब पार्टियों को इतनी इतनी इतनी, इतनी नशिस्तें दिलवाई हैं तो हम ऐसा करते हैं हम ही सामने आते हैं हम ही वजी आजम बन जाते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ को या मुस्लिम नून से जो भी कैंडिडेट है उसको वोट देने का तो फैसला कर लिया है लेकिन ट्रेजरी बेंचेस पर बैठना कोई वजारते लेना ये फैसला वो नहीं कर सकी अब पीपल्स पार्टी यानी सहूलतकारी पूरी करेगी सिलेक्टेड वजीर आजम की लेकिन वजारते नहीं लेगी इससे बहुत सारी चीजें आया हो रही हैं सबसे पहली बात जो आप लोग जहन नशीन कर लेंगे ये हुकूमत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी शायद एक साल मैक्सिमम ये चल सके और पीपल्स पार्टी इसीलिए इस, इस हकूमत से किनारा कशीफ तैयार किए हुए है सहूलत कारी जरूर कर देगी पीपल्स पार्टी क्योंकि अगेन मफात इन सब के इस सारे कब्जा माफिया के, ने के ने एक बात और भी याद रखिएगा ऊपर से सिर्फ अबू का एक पैगाम आने की देर है और जैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग और एम क्यू एम और ये जो कुछ हमारे मुल्क में मुनाफिक जमाते हैं इनको जब अबू का पैगाम आएगा तो ये वापस मिलकर बैठ जाएंगी ये सिर्फ वक्ती ड्रामा है कुछ वक्त के लिए ड्रामा किया जा रहा है कि हम नहीं बैठेंगे और हम एक असूली सियासत कर रहे हैं का ड्रामा अगर आप वाकई कर रहे हैं तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा करें प्राइम के लिए। बाकी जमातों को अपने धूल झोंका जा रहा है क्योंकि समझ आ गई है कि अब जो अवाम है वो सब जान गई है इमरान खान ने सब सिखा दिया है लेकिन आप अंदाजा लगाए निजाम को कितनी ज्यादा दौड़े लगवा दिए खान ने जेल में बैठकर जो जो मुसीबतें बर्दाश्त की इस जमात ने आप यकीन करें झंडा उठाना और ये तक खबरें थी कि इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन डे पे आठ फरवरी को किसी घाड़ी के साथ अगर आप झंडा लगा देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किसी को कुछ शर्ट्स पहने देखें हमें इस किस्म की कॉल्स रात को मौसूल हुई सात फरवरी के रात को इलेक्शन से एक रात पहले कि ये तमाम तर तैयारियां की गई हैं मोटरवेज के ऊपर आपकी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि ऐसे कोई लोग नजर आए तो उनको उठा लिया जाएगा गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन इनके सारे प्लान चौपट हो गए और जिस तरीके से सिग्नल्स बंद करके गए मतलब कौन कौन सी तशवीश नहीं फैलाई गई लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान को अल्लाह ने इस तरह कामयाबी दी और आज वही निजाम दौड़ रहा है आज निजाम इमरान खान के पीछे है आज निजाम इमरान खान के पाऊ में बैठा है मिनते तरले कर रहा है लेकिन अब वो मान नहीं रहा वो पहले भी नहीं मान रहा था वो अब भी नहीं मान रहा उसको तोड़ तोड़ की कोशिश की है मनाने की और अब उसकी मिनते करके उसको मनाने की कोशिश की जा रही है यहां पर इमरान खान की वापसी हो चुकी है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अलीमा खान की भी आज लाइव दिखाई गई है लाइव टॉक उनकी जो वो कर रही थी आ, ये सब चीजों पर पाबंदी थी लाइव टीवी स्क्रीन के ऊपर लेकिन आज वो दिखाया गया इसके साथ साथ इमरान खान के साथ साथ अगर आप कुछ चीजें देखें वक्त वक्त की बात है अली अमीन गंडापुर को जिस तरीके से आज प्रोटोकॉल दिया गया और उन्होंने आगे से कहा कि नहीं मेरे साथ मेरे बंदे मौजूद है मतलब जिस तरीके से अलीमीन गंडापुर को पंजाब की सड़कों पर घसीटा गया सिंध की जेलों में रखा गया फिर उन पर जो तशद किया गया और आज ये सब कुछ किस लिए पॉसिबल हुआ है अगर आपको यहाँ पर कोई ये चूरन बेचने की कोशिश करे कि इमरान खान की डील हो गई है या अगर आप कोई आपको कोई ये समझाने की कोशिश करे कि हालात जो है वो बैक एंड पे ठीक हो रहे हैं और इमरान खान को स्पेस देने की कोशिश की जा रही है तो आपने इसमें से कुछ भी नहीं सुनना क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब सिर्फ एक वजह से हुआ है वो है आपके वोट की ताकत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं हबीब अक्रम जैसे जो इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वो पार्टी इलेक्ट होकर नहीं आई उस आ, लीडर को इतने वोट नहीं पड़े जिसके पीछे उनका हाथ था बल्कि उसको पड़े जिसके पीछे आवाम का हाथ था तो ये मुल्की तारीख में पहली मरतबा चीजें बदल रही हैं ये अलहमदुल्ला ब्लड रेवोल्यूशन नहीं था ऑल दो इससे पहले हम बहुत सारे खून देख चुके हैं अर्शद शरीफ शहीद की शहादत से लेकर हमने बहुत सारी कीमती जाने खोई हैं जिले शाह समेत हमने बहुत सारी कीमती जाने खोई हैं लेकिन ये फिर भी एक पीसफुल रेवोल्यूशन था ये बैलेट के जरिए ये वोट के अंदर जो बैलेट पेपर है उसके जरिए ये रेवोल्यूशन था बल्कि कहा जा रहा है कि जो वोटिंग बूथ्स हैं जो पोलिंग बूथ्स हैं वो असल में मुस्लिम लीग नून का और तमाम तर ताकतवरों का ताबूत साबित हुए और वो ताबूत की तरह उसके अंदर से जिस तरीके से ताबूत में लाश होती है इस तरीके से जो बैलेट पेपर्स के वोट जो डब्बे उनके अंदर से जो वोट के निकले वो सारे के सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के निकले और वो सबका सब, सब ये जो है इसको रिलेट किया जा रहा है कि ये उनका ताबूत साबित हुए तो ये सब कुछ आपके वोट की ताकत से मुमकिन हुआ है आपके वोट से मुमकिन हुआ है लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ पे बहुत दोगला बहुत डबल गेम खेल रही है विकेट की दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है लेकिन इनका तरीका है सियासत का यही तरीका कार है का एनएस सिक्सटी के अंदर दंगल जारी है और कैसरा इलाही चौधरी परवेज इलाही की जोजा परवेज इलाही की वाइफ और शुजात हुसैन की बेटे जो है उनके दरमियान सालक हुसैन के दरमियान जो है वो इस टाइम मुकाबला और नत्श को बार बार रोका जा रहा है जिस तरीके से तो अभी वहां पर दंगल जारी है उसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगी उस पर आपको आगाह करेंगे लेकिन फिल वक्त के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि कैसरा इलाई जो है ये सीट उनको उनको मिली है बिकॉज रिकाउंटिंग में उनके वोट्स जो है वो ज्यादा सामने आए लेकिन दूसरी जानेबी एक सौ उन्नीस मरियम नवाज के हल्के से मरियम नवाज को वो सीट दे दी गई है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया परसों रात गालिबन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मियाँ शहजाद फारूक को जिस जेल में ले जाया गया उस जेल में बताया गया कि वहां से जेल के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर लेके गए और वहां पर मरीम नवाज की भी गालिबन उनसे कोई मुलाकात हुई है अब एक आपको मैं एक सहाफ़ी की पिक्चर दिखाऊं एडिटर यहाँ पर सहाफी के पिक्चर साथ चलाएंगे ये सहाफी जो है आर पी प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक है आर पी प्रोडक्शन के अंदर ये एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं इर्तजा बट नामी सहाफी इनका गुना क्या है इनका गुना है कि मरीम नवाज के अगेंस्ट खड़े होने वाले आपको बताए ना कि रियासत की अप्रोच नरम पड़ गई है तो ये व्यक्ति खेल तमाशा है ये व्यक्ति आपको आपका मैंडेट लेने अपनाने के लिए बाहर और व्यक्ति एक एक सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए रियासत की सब कुछ कर रही है ये सब व्यक्ति रियासत की असल अप्रोच यही है याद रखिए वो दिन इतवार का दिन जिस दिन एक एक आम सी गाड़ी एक गाड़ी के अंदर एक फैमिली लाहौर के अंदर झंडा बार निकाल के जा रही है और किस तरीके से उस फैमिली के सामने बच्चों के सामने बाप को गिरफ्तार किया गया इसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी खबर है जी बोत मजिद मुस्लिम और तरीके लबाइक पाकिस्तान इनके साथ साथ जमाते इस्लामी तीनों जमातों ने न सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वेलकम किया है हर किस्म के सियासी अलाइंस बनाने के लिए इसके साथ साथ ये भी कहा कि हर मुश्किल में चाहे वो वोट काउंटिंग से लेकर चाहे फॉर्म फोर्टी फाइव से लेकर हर मुश्किल में अगर आपको आप जमात हमारी चाहिए हम आपके साथ हैं हम आपके साथ खड़े हैं तो यहाँ पर वो सब लोगों के लिए भी पैगाम है जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे जो इमरान खान पर ताने कसते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे तो तरीके लब्बाई पाकिस्तान जमातें इस्लाई और मजिद वहादातलमसली जैसी जमाते इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में अगर निजाम को आंखें दिखाने वाला अगर वाकई मुस्तफ़ा रसूल की पूरी की पूरी एक जो लाइफ है उसके ऊपर अगर पाकिस्तान को कोई निजाम को चला सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें सिचुएशन ये है एक जानब आप तो कहते हैं यहाँ पे बड़े कमेंट्स भी आते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक है और इसमें एक अच्छी चीज भी है इसमें से अगर आप पॉजिटिव चीज फाइंड आउट करें तो एक जानब शिया जमात एक जानब सुन्नी जमात किसी ने बहुत अच्छी ट्वीट की हुई थी सीन और शीन जैसे उर्दू तलफुज में साथ है लुत में साथ है उसी तरीके से सीन और शीन यानी सुन्नी और शिया इमरान खान के साथ हैं तो ये बहुत जबरदस्त बात है फिर का वारियत हमेशा से एक ऐसी चीज रही है पाकिस्तान में जिसका बड़ा खतरा था ये बहुत बहुत अच्छी चीज है अच्छा यहां पर एक और चीज भी हो गई है जी अमेरिका ने भी कह दिया कि हम सिर्फ ऐसी हुमत के साथ मुजाकरात करेंगे ऐसी हुकूमत के साथ हम आगे चलेंगे उनको डिफरेंट हम बेल आउट पैकेजेस देंगे और सब कुछ करेंगे जो हुकूमत आवाम के वोट से आई होगी तो अमरीका ने भी जो है एक बड़ा ऐलान कर दिया है ये सब वो चीजें जिससे निजाम की यकीन करें दौड़े लगी हैं पैनिक है आप यकीन माने इस टाइम पावर कॉरिडोर के अंदर आपको पता है मैं कहां की बात करी हूं? वहां पैनिक हुआ हुआ है और कोयटा के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की शटर डाउन हड़ताल भी है इलेक्शन के बाद एक एक सियासी इस्तेकाम एक माशी इस्तेकाम की उम्मीद की जाती है लेकिन यहां पे इलेक्शन के फौरी बाद शटर डाउन हड़ताल शहर शहर और फिर इंतजामिया और आगे से जिस तरीके से निजाम रिएक्ट करता है वो हमारे सामने ये तो निजाम जो थोड़ा सा कंट्रोल्ड दिखाई दे रहा है इंसान का बच्चा बना हुआ है उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान को जो वोट पड़ा है वो इस कदर वोट पड़ा है कि पांचवा दिन है वोट मैनेज नहीं हो रहा पांचवा दिन है गए पांचवा दिन है और ये हालत हो चुकी है कि पंजाब के पूरे जो वोट इन्होंने काउंट किए हैं तो उस वोट काउंट के बाद इन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि नेशनल मतलब ने दो वोट होते हैं जिसने नेशनल असेंबली का गा वोट डाला है डेफिनेटली उसने प्रोविन्शल असेंबली में वोट डाला होगा लेकिन नेशनल असेंबली के वोट ज्यादा निकले हैं और उससे बहुत ज्यादा फीसद तकरीबन पच्चीस कम प्रोवेशल असेंबली के वोट निकले हैं तो यह हालत हो चुकी है क्योंकि बार बार बदल रहे हैं नाइज बार बार फॉर्म्स बदल रहे हैं बार बार सब कुछ हर जगह तब्दीली कर रहे हैं लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये इनकी दौड़े लग चुकी हैं और ये जिसको बिठाना चाह रहे हैं की कुर्सी पर ज्यादा नहीं चलेगा चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, 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 करें आपको अपडेट करते रहें अपना बहुत ख्याल रखें जो लोग सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया अल्लाह ने